बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अफरोज़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड। दोस्तों, जैसे कि आज की जो हमारी टॉपिक है वो प्लम्बिंग के बारे में है, मीन्स वाटर सप्लाई के बारे में है। वाटर सप्लाई, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैं जहाँ पे ठहरा हूँ ये है हाल का पोर्शन है, और यहाँ पे आपको मिलेगा अटैच टॉयलेट मिलेगा, अटैच टॉयलेट मिलेगा। उसमें मिलेगा आपको टॉयलेट भी मिलेगा और आपको बाथरूम भी मिलेगा, दोनों मिलेगा। तो किस तरह से वहाँ पे पाइपलाइनिंग करते हैं, वाटर सप्लाई देते हैं, गीज़र किस तरह से पॉइंट देते हैं, गीज़र कहाँ देना चाहिए, किस जगह पे देना चाहिए, हाइट पे देना चाहिए, नीचे देना चाहिए, बताता हूँ इस वीडियो में। बने रहिए इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं आप पे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मटेरियल है, ओके। यहाँ पे नीचे मटेरियल देख सकते हैं, यहाँ पे वाटर सप्लाई के यहाँ पे पाइप्स वगैरह हैं, यहाँ पे पूरी फिटिंग्स है, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आप, यहाँ पे पूरी फिटिंग्स है। और दूसरी बात, सोल्यूशन वगैरह भी है। अंदर आइए, आप बताता हूँ मैं आपको। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो पोर्शन है, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, ओके, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे आएगा हमारा शावर आएगा। यहाँ पे शावर में हम बोलते हैं, जैसा कि वो जो पाइप आता है उसे बोलते हैं हम शावर, शावर हेड और शावर आर्म आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे शावर के पास यहाँ पे बैठेगा अपना गीज़र पॉइंट, ओके, गीज़र पॉइंट। ये पोर्शन में आप देख सकते हैं, ये पोर्शन में अपना शावर आएगा और ये पोर्शन पे गीज़र आएगा। गीज़र कहाँ पे आएगा, किस तरह से आएगा बताता हूँ इस वीडियो पे। बने रहिए इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करनी। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ, ये है गीज़र के पॉइंट, ये है गीज़र के पॉइंट। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पाइप है, आप देख सकते हैं ये है गीज़र की लाइन है, ओके, देख सकते हैं गीज़र की लाइन है। और यहाँ पे हमारे बैठे हुए हैं, यहाँ पे प्लम्बर भी हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे वॉल मिक्सचर के यहाँ पे पॉइंट है, ओके, यहाँ पे देख सकते हैं वॉल मिक्सचर के पॉइंट है और ये शावर का ये पॉइंट है। इसी तरह से यहाँ पे जो घूम के आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आएगा टूटी, ओके, यहाँ पे टूटी मीन्स पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। और ये जगह में WC बैठेगा नीचे, ये जो इतना पोर्शन है आप नीचे देख सकते हैं, ये जगह में WC बैठेगा और यहाँ पे फ्लश का पॉइंट आएगा यहाँ से, ओके, यहाँ पे ये पॉइंट में फ्लश का पॉइंट आएगा। तो दोस्तों, ये था बाथरूम का किस तरह से पॉइंट्स दिए गए हैं। और मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये जो गीज़र का दोस्तों यहाँ पे शावर है, हमारी मेन टॉपिक बताता हूँ आप इस वीडियो में, मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। जहाँ पे हम मिस्टिक्स करते हैं, जो शावर का पानी आता है, और जैसे कि हमारा गीज़र होता है, गीज़र में गर्म पानी और ठंडा पानी होता है, ठंडा पानी आता है एक आधा बार, गर्म पानी नहीं आता है गीज़र में, इस शावर में गर्म पानी नहीं आता है कतई पर। क्यों गर्म पानी नहीं आता, रीज़न क्या है, वो कहाँ पे फेल होता है, बताता हूँ इस वीडियो पे। बने रही इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम इसका हाइट लेंगे, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब भी हम इसका हाइट लेंगे दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ मैं, ये फेस पे हमारा शावर बैठेगा, ये फेस पे हमारा शावर बैठेगा। जो गीज़र आएगा, जैसे कि मैं लाइन मार रहा हूँ, इसके ऊपर गीज़र बैठना आप चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से ये हाइट पे गीज़र बैठना चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ। और यहाँ पे गीज़र आपको बैठेगा, यहाँ पे स्पेस का प्रॉब्लम है, यहाँ पे जगह का प्रॉब्लम है, यहाँ पे 3 लीटर का गीज़र बैठेगा। कितने लीटर का? 3 लीटर का यहाँ पे आपको गीज़र बैठेगा। कभी भी आप जैसा कि गीज़र बिठाते हैं वॉशरूम में, मीन्स आपका जो अटैच टॉयलेट होता है, अटैच बाथरूम होता है, वो जैसा कि यहाँ पे शावर है, उसके नीचे ये लाइन के नीचे नहीं बिठाना चाहिए। जो लाइन दिया हूँ मैं, इसके नीचे नहीं बिठाना चाहिए, जो लाइन के नीचे नहीं बिठाना चाहिए, कभी भी ये लाइन के ऊपर आना चाहिए, चाहे वो 1 फीट हो, 2 फीट हो, 6 इंच हो। यहाँ पे जगह का प्रॉब्लम होने की वजह से इसको थोड़ा सा एक्सटेंड आगे करके यहाँ पे हम क्या यहाँ पे गीज़र बिठा रहे हैं। एक ये जो मिस्टिक्स है, जैसा कि हम इसके नीचे ले लेंगे, ये लाइन से नीचे अगर हम ले लेंगे गीज़र बिठाएंगे, तो खाली ठंडा पानी आएगा, गर्म पानी नहीं आएगा। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, जैसा कि हम टाकी का कनेक्शन देते हैं छत के ऊपर देते हैं, स्टैंड लगा के टाकी का कनेक्शन देते हैं, जितना हाइट पे टाकी रहेगा तो पानी उतना प्रेशर नीचे के फ्लोर को आएगा। तो उसी तरह से क्या करते हैं हम, गीज़र भी ऊपर रहेगा, शावर
शावर से ऊपर रहेगा तो आपको गर्म पानी आएगा, अगर शावर के नीचे रहेगा तो आपको गर्म पानी नहीं आएगा, सिर्फ ठंडा पानी आएगा, हॉट वाटर आपको नहीं मिलेगा। तो कभी भी आप बनाते हैं पॉइंट्स देते हैं वाटर सप्लाई के, तो उस टाइम पे इंजीनियर की आप सजेशन लीजिए, इंजीनियर जो है आपके जो डिज़ाइन इंजीनियर है, जो साइड इंजीनियर है वहाँ पे, और जैसे कि प्लम्बर भी होते हैं, दोनों डिस्कस करके वहाँ पे करेंगे तो सही रहेगा, बेटर रहेगा, आपको रिकंस्ट्रक्शन में डबल डबल करना नहीं पड़ेगा, नहीं तो कुछ पॉइंट्स गलत हो जाएंगे तो आपको रिपेयर वर्क करना पड़ेगा और कॉस्टली हो जाएगा और महंगा हो जाएगा। तो मेरी पॉइंट थी आज की कि किस तरह से ये करते हैं, तो मैं आगे भी पॉइंट्स बताता हूँ, बने रहिए इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्लम्बर भी हैं हमारे, यहाँ पे पीछे काम कर रहे हैं और यहाँ पे वर्कर्स भी हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे भी और एक वॉशरूम बन रहा है जनरल में, वहाँ पे जो था दोनों था, बाथरूम था एंड बाथरूम के साथ टॉयलेट भी था, यहाँ पे आपको खाली WC बैठेगा। बताता हूँ इस वीडियो बने रही है, इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल कर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, यहाँ पे जैसा कि एंट्रेंस पार्किंग के नियरर सीढ़ी के अपोजिट यहाँ पे आपको दो पॉइंट्स मिलेंगे, एक पॉइंट मिलेगा आपको वॉल के लिए एक पॉइंट मिलेगा, और एक आपको जैसा कि आप वॉशरूम से आते हैं आने के बाद आपको हाथ धोने के लिए करने के लिए जैसा कि, और एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे होल दिया है, ओके, यहाँ पे जैसा कि हमारे प्लम्बर है, यहाँ पे होल इसलिए दिया है जो अंदर का जो कनेक्शन है उसको कंटिन्यू रखने के लिए, इंटरकनेक्टेड होने के लिए। तो यहाँ पे नीचे वाला जो यहाँ पे एल्बो दिया गया है, यहाँ के जो टी से इसको हम कनेक्ट करके यहाँ पे लाइन को सप्लाई कर रहे हैं, मतलब पूरा कंटिन्यू जारी रख रहे हैं वहाँ तक। और एक यहाँ पे दिख रहा है एल्बो, यहाँ पे देख सकते हैं एल्बो से ये कंटिन्यू पाइप जा रहा है, जाके दोस्तों यहाँ पे जो आएगा एक पॉइंट आएगा यहाँ पे फॉर दी WC के लिए, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं WC के लिए यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे दो पॉइंट्स आएंगे, एक कोल्ड वाटर का आएगा ठंडे पानी का, एक हॉट वाटर एक गर्म पानी का आएगा। यहाँ पे जैसा कि शावर वगैरह नहीं आएगा यहाँ पे, बिकॉज ऑफ यहाँ पे जगह का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे अगर आप छोटा बच्चा है कोई भी है, आप किसी को छोटे बच्चे को पानी नहलाना चाहते हैं तो नहला सकते हैं, कुछ वर्क करना चाहते हैं तो आप वर्क भी कर सकते हैं, मतलब जैसे कपड़े धोना करना इतनी जगह में आप कर सकते हैं। तो आज की दोस्तों वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जैसे कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल सिविल इंजीनियर्स एंड ब्यूटीफुल व्यूअर एंड रिस्पेक्टेड पीपल, आई विल थैंक्स फॉर दी 1K सब्सक्राइबर, आई वॉन्ट दी 10K सब्सक्राइबर, मैं 10K सब्सक्राइब चाहता हूँ आप सभी से, जैसा कि हमारे व्यूअर्स से स्पेशली। तो आज की वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पे बेल आइकन का बटन रहेगा, बेल आइकन को बटन को आप प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे तो मेरे न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, और इस वीडियो से रिलेटेड कुछ डॉट है तो आप वहाँ पे कमेंट करेंगे तो मेरे न्यू वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों न्यू वीडियो में मिलेंगे एज सून एज पॉसिबल, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।